प्यारे साथियों, यह वीडियो सिर्फ हमारे उन युवा साथियों के लिए बनाया गया है जो बेरोजगारी भत्ता लेना चाहते हैं, जिन्होंने बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म अभी तक नहीं भरा है। तो आपको बेरोजगारी भत्ता कैसे मिलेगा और आपको क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है ना। उससे पहले एक छोटी सी मैं जानकारी आपको बता देता हूँ। यदि आप घर बैठ के पैसा कमाना चाहते हैं तो साथियों, मैंने ग्रो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसमें प्रति फ्रेंड आपको 100 रुपये मिलते हैं, ठीक, अकाउंट आपका फ्री में बनेगा। और जैसे मान लो भाई आपने 10 साथियों के पास शेयर कर दिया तो 1000 रुपये अकाउंट में आएंगे। जो भी अकाउंट नंबर देते हैं इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, ठीक है ना। अपना अकाउंट बना सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इब साथियों बात कर लेते हैं बेरोजगारी भत्ता। देखो साथियों, जो राजस्थान में वर्तमान में 4,4500 जो बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, जिसमें मेल कैंडिडेट को 4000, फीमेल व विकलांग या दिव्यांग को 4500 रुपये दिया जाता है 2 साल तक, ठीक है। देखो साथियों, इसमें क्या होता है, पहले आप जैसे ही बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरोगे तो आपका फॉर्म कम से कम 6 या 7 महीने में क्या हो जाता है, अप्रूव्ड होता है। पहले तो आपका वही फॉर्म सबमिट होगा, सबमिट होने के बाद 1 दिन या 4 या 5 दिन 6 दिन के अंदर आपका वेरीफाई हो जाता है, वो आपके जिला रोजगार कार्यालय करता है। तो जैसे आपका वेरीफाई हो जाता है तो आप अपने स्टेटस में चेक कर सकते हैं और उसके बाद अपना तुम्हारा जो फॉर्म है वो जयपुर हेड ऑफिस के पास पहुँचता है, ठीक है ना। और फिर आपके फॉर्म को अप्रूव किया जाता है। इस प्रक्रिया में वर्तमान समय में 5 से 6 महीनों का समय लग सकता है, या इससे पहले भी आपके फोरम में अप्रूव कर दिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद साथियों आपका क्या है, आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। इंटर्नशिप करने से पहले यदि आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है तो आपसे कोई भी 3 माह का कोर्स नहीं करवाया जाएगा। जैसे भाई प्रोफेशनल कोर्स में BSTC है, BEd है, IIT है, कंप्यूटर का कोई भी कोर्स हो, ठीक है ना, उसे अपने प्रोफेशनल कोर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप सभी ने ये कोर्स कर रखे हैं तो आपको इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा, किसी भी डिपार्टमेंट में आपको भेजा जा सकता है। लेकिन पूरे चांस है या तो आपको कोई पटवारी ऑफिस मिलेगा, या कोई आपको ग्राम पंचायत मिलेगी, या कोई आपको स्कूल आंगनबाड़ी आदि मिल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कोई भी हॉस्पिटल आपको दी जा सकती है। और आप वहाँ पर 4 घंटे प्रतिदिन आप वहाँ पर जाओगे तो फिर आपको प्रति महीने 4,4500 रुपये दिया जाएगा, ठीक है ना। तो साथियों, पहले तो बेरोजगारी भत्ता लेने में कोई समस्याएं नहीं आती थी, ये बेरोजगारी भत्ते को लेना एक बहुत ही टेढ़ी खीर हो चुकी है, क्योंकि आज का युवा अपने भविष्य को लेकर बहुत ही जागरूक है। यदि मान लो वो 4 घंटे के लिए वो इंटर्नशिप करने के लिए जाता है तो 4 की बजाय 6 या 7 घंटे उसके क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, और पूरा दिन तो उसका वैसे ही निकल जाएगा। और पढ़ने वाला युवा है वो किस प्रकार अपनी पढ़ाई कर पाएगा, वो शिक्षित बेरोजगार है, वो सोचता था कि मैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में लग जाऊंगा और इस बेरोजगारी भत्ता योजना के द्वारा मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। पता नहीं किस अधिकारियों ने इतना दिमाग लगा दिया कि चलो हम इंटर्नशिप योजना को लागू कर देते हैं। उन्हें ये नहीं पता तुम्हारे राजस्थान का हाल क्या हो जाएगा आने वाले समय में, ठीक है। तो जो नए साथी हैं उनके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है। धन्यवाद।